एंड वेलकम बैक टू आर व्लॉग। आई होप यू आर फाइन। चिपो जामन एवरी के चैनल में आपका वेलकम है। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि मेल डव झूले पे बैठ के झूला ले रहा होता है। सिर्फ मेल ही ज़्यादातर झूले पे बैठते हैं, फीमेल नहीं बैठती। इसका ब्लैक वाला मेल है वो अपनी बास्केट के बैठ कर हिफाजत कर रहा होता है और इधर उधर देख रहा होता है क्योंकि कोई आ तो नहीं रहा। यहाँ बच्चीज में अभी एग हैं, जब सात सात बच्चे होंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अब फिशर अभी हमें देखकर बीच में जल्दी से चला गया और ये वाला फिशर पीछे पीछे हो गया। इसे पता चल गया कि हम वीडियो बनाने आए हैं बीच की तरफ, इसलिए दिखा रहे हैं। यहाँ चिपू ना अपने आप को कैसे खारिश कर रहा है, आगे पीछे दोनों तरफ कर रहा है सीढ़ी पर बैठ के, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस केज की तरफ हम इसलिए गए हैं क्योंकि आपको दिखा रहे हैं कि अभी कुछ दिन एग को हो गए हैं, जब आगे आगे जैसे बच्चे खुलेंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। जैसे फीमेल निकलकर हमें देख रही है कि कोई आ तो नहीं रहा मेरे बॉक्स के आगे हाथ लगाने। चिपो पहले पीछे कुछ आ रहा था, अब आगे खाने पर बैठ कर कुछ आ रहा है। अब हम खाना डालेंगे और साथ साथ पानी डालेंगे, लेकिन आप ज़रूर याद रखना है सुबह शाम जितने टाइम भी आप खाना दें ज़रूर अपने बाउल को साफ़ करके धोकर ज़रूर दें। हम आपको बाउल्स फिल कर कर दिखाते हैं। हम जैसे बाउल जब फिल कर लेंगे तो हम सारे केज में बाउल्स को रखते जाएंगे साथ साथ। शर हो, डव, फिंचीज हो, बजीज हो, सब केज में बाउल्स रख देंगे सब। बाद हम सब केज में ट्रे को भी लगा देंगे। जैसे ही हम खाना रखते हैं सब आके जल्दी से खाते हैं, जैसे इन्हें बहुत भूख लग रही होती है। चिपू को कोई खाने ही नहीं दे रहा, चिपू बार बार सबके आगे चक्कर लगाए जा रहा है। ट्रे को भी देख सकते हैं, पहले ये हमारे से डरते थे लेकिन अब हमारे सामने ही खाना आकर खाने लग जा। फिंचेज और डफ का भी था, ये हमसे डरती थी लेकिन अब आके खाना खाती हैं। देख सकते हैं कि हम जब भी शीट धोकर लगाते हैं ये हमारी तरफ देखती है कि साफ हो गया मेरा घर। जामन को भी देख सकते हैं कि वो हमें कैसे देख रही है। यहाँ पर हमने चिकन को 50 ग्राम लिया है, पम्पकिन को भी 50 ग्राम और राइस को 150 ग्राम। कोकोनट ऑयल 5 मिलीलीटर डालना है, जब पक जाए उसके बाद कोकोनट ऑयल डालना है। सब चीज़ों को एक बाउल में डालकर पकाने के लिए रख देंगे। अभी हम आपको आगे चलकर दिखाते हैं कि कितना हमने पकाना है। आप देख सकते हैं कि हमने 800 पर टेम्परेचर लगाया है और ये देख सकते हैं ये हम यहाँ पर नारियल का तेल, कोकोनट का तेल यूज़ कर रहे हैं, ऑयल यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रेनर में इसको छान लेना है, अच्छी तरह से इसका पानी छान लेना है। उसके बाद हमने चिकन पम्पकिन को अच्छे से श्रेड किया है, छोटा छोटा बारीक बारीक श्रेड करना है। हम इसमें कोकोनट ऑयल 1 स्पून डालेंगे तो इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सब जगह कोकोनट ऑयल मिक्स हो जाए अच्छे से। यहाँ पर हमने यहाँ पर स्कैपी की मेडिसिन भी यूज़ कर लेंगे, इसे क्या करेंगे हम खाने में मिक्स कर देंगे। हम ये देख सकते हैं अब हम इसे खाने में मिक्स कर रहे हैं, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और स्कैपी से डाइजेस्ट कर लेंगे। आपने क्या करना है अपने डॉग को ना, आपका अगर कोई डॉग हो तो उसे क्या करना है थोड़ा थोड़ा करके देना है। देखा अभी हमने थोड़ा करके दिया तो इसने स्केपी ने डाइजेस्ट आराम से हो जाएगा स्केपी को। और सब भी जब भी आपने हाथ से खाना देना है तो आपने अपने हाथ का इन्वॉल्व ज़रूर करना है खाने के दौरान। मोस्टली लोगों का ये इशू होता है कि उनके डॉग एग्रेसिव होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉग के साथ ये ना इशू हो तो आप करें क्या करें, आप अपने डॉग को खाना देते वक्त अपने हाथ की ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट करें, इससे क्या होगा आपके डॉग की एग्रेशन कम हो जाएगी। फूड के रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर जैसे मैं यहाँ से हाथ भी लगा रहा हूँ ना तो इससे कोई इशू नहीं होगा एग्रेशन का। और देखिए मैं हाथ से ये चावल उतार उतार के खा रहा है, तो इस तरह आप भी करेंगे तो आपके डॉग को भी एग्रेशन का इशू नहीं आएगा।
और ये ऐसा नहीं है कि आप अगर आपका डॉग बड़ा हो आप उसके एग्रेशन का इशू ख़त्म करना चाहें, ऐसा नहीं आपने करना कि फ़ौरन आपका डॉग के एग्रेशन का इशू ख़त्म हो जाए। आपने ऐसा करना है कि बचपन में भी इसके खाने में अपनी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है ताकि इसके एग्रेशन का इशू कम हो और आपके डॉग को ये पता चले कि कोई भी इसके खाने के पास आ सकता है। इस तरह ये होगा कि फ्यूचर में किसी पर अटैक नहीं करेगा खाने के रिलेटेड, मतलब ये उस पर अपनी पोजेशन एग्रेशन शो नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने ना अब थोड़ा ना इसके ना खाने का ना थोड़ा पार्ट बचा लिया, उसमें मैंने क्या किया इसमें ना इसके मेडिसिन छुपाई है। इसके अभी वैसे तो इस मेडिसिन नहीं खा सकता और ना ये डाइजेस्ट नहीं करेगा, मतलब ये अपने मुंह में तोड़ लेगा इसका मुंह कड़वा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसे खाने में ऐसे लास्ट में थोड़ा सा पार्ट बचा लेते हैं, इस तरह से अभी खाना भी खा लेते हैं और उसकी मेडिसिन भी हो जाती है। अब क्या करें हम थोड़े से ऐसे कहेंगे कि बाउल साफ़ करें। देखिए हम सेंटर में इसका खाना खा रहे हैं जो उसे साइड पर लगाया था। स्कैपी क्लीन, हमने यही कहा था उसे उस वक्त वीडियो में, और उसने देखें यहाँ पर साफ़ करना शुरू कर दिया है अपना बाउल। चले हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब फिर अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।